प्रशासनिक कार्यों में रुचि न लेने के कारण यूपी की योगी सरकार ने कल बुधवार शाम को मुकुल गोयल को राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से हटा दिया। उनको अब डीजी नागरिक सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। यूपी की अफसरशाही में इस बड़े फेरबदल के साथ ही राज्य में अब नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। डायनामाइट न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के नए डीजीपी पद के लिए 5 सीनियर अफसरों के नाम की चर्चा है। डीजीपी की रेस में सबसे आगे चल रहे अफसरों में 1987 बैच के आईपीएस राजेंद्र पाल सिंह, 1987 बैच के ही गोपाल लाल मीणा, 1988 बैच के आर के विश्वकर्मा, 1988 बैच के डॉक्टर डी एस चौहान और 1988 बैच के ही अनंत कुमार का नाम शामिल है। यूपीएससी नियमों के तहत योगी सरकार द्वारा 3 सीनियर मोस्ट अफसरों के नाम शॉर्टलिस्ट करके पैनल को भेजे जाएंगे, जिसमें से किसी एक के नाम पर केंद्र की मोहर लगेगी। सरकार की नीतियों से तालमेल रखने वाले अफसर को ही डीजीपी का पद सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, लखनऊ।